हेलो एंड नमस्कार, हरी स्वागत आप सभी का। मैं उदयसुख पालीवाल और आज है हमारा स्पेशल डे। एक तरीके से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बंद करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है वॉल्यूम इको हो रहा है। हरी, आई होप, मुझे उम्मीद है कि इसी तक आवाज का इश्यू नहीं है। तो आज देखो ऐसा है, संविधान को एक तरीके से जन्म देने वाले एक ऐसी शख्सियत का जो है अपने आप में शुभ अवसर भी है। और इसी बहाने हम लोग क्या करने वाले, कानून को देखो अपने आप में। अब इको नहीं हो रहा होगा, अब डोंट वरी। मुझे बताओ, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? आई होप सब कुछ एकदम अच्छे से है। आप लोगों का आवाज़ जो है वो भी एकदम बढ़िया से सुनाई दे रही है। ओके तो सीधी सी बात है, दिल से नमन करो यार, दिल से नमन करो ऐसी शख्सियत को जिन्होंने वाकई में भारत के लिए बहुत कुछ किया है। ओके हाँ जी सर, आप इतने एनर्जेटिक रहते कैसे हैं? रहते कैसे हैं? क्योंकि आप लोग रहते हो इसलिए हम भी रह लेते हैं। भैया मैग्नेट मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेती है। आपके अंदर जोश है, आपके अंदर जुनून है, ऑब्सेशन है, उत्साह है, एनर्जी है, एंथुजियाज्म है, और वो हमको भी क्या करता है, एनर्जाइज करता है। चलिए तो अब यहाँ पर इसके साथ ही अपन आज के सेगमेंट को भी डील स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसा है, मैंने यहाँ पर हेडिंग तो सिर्फ राजस्थान एपीओ लिखा है, लेकिन बेसिकली आज की क्लास जो है वो मल्टी स्टेट के एपीओ एग्जाम के लिए होगा। ठीक है, पेपर कब आएगा सर एपीओ का? योगेश कुमार जी, मान के चलिए राजस्थान एपीओ की अगर बात करें तो आपके सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर ये 3 महीने बड़े क्रूशल होंगे और इसके अंदर एग्जाम होने की या रिक्रूटमेंट आने की संभावना बनी रहेगी। आप मान के चलो 6 महीने का तो आपके पास कम से कम एक समय आपको मिल जाएगा। तो बढ़िया से प्रिपरेशन करो और चक दे फट्टे हैं जो करना है इस एपीओ के एग्जामिनेशन के अंदर। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर हेडिंग तो सिर्फ आपको राजस्थान एपीओ की मैंने लगा रखी है, बट बेसिकली जो है ना ये आपके राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, है ना, और भी कई सारे स्टेट जैसे बिहार हो गया, ओके बिहार है, या फिर आपके झारखंड है वगैरह, और भी कई जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पर एपीओ का एग्जामिनेशन होता है उन सब के लिए आज की क्लास रिलेवेंट है, उन सब के लिए। ठीक, अब भले ही अलग अलग नाम से जाना जाता हो, कहीं पर एडीपीओ कहा जाता हो, कहीं पर आज भी एपीपी के नाम से उनको जाना जाता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है ये जो चीज़ है वो सबके लिए कॉमन है जो रहेगी। अनिता जी देखो, एज का जहाँ तक क्राइटेरिया 35+ रिलैक्सेशन की बात की जाती है, फिर भी जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आएगा तो मान के चलिए कि जो महिलाएं कैंडिडेट्स हैं वो 40 तक तो आराम से एग्जाम फाइट है जो कर पाएंगे। ठीक, इसीलिए अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप सिलेबस पे फोकस करो और जरूरत पड़े तो एक स्पेशल क्लास हम अलग अलग स्टेट के मल्टीपल स्टेट का एपीओ का कंपेटिव एनालिसिस करते हुए एक क्लास है जो जरूर लेंगे। ठीक है जी, चलो अब देखो आज की क्लास को आपको इसलिए भी ध्यान में रखना है क्योंकि हर एक टॉपिक पर आज सवाल बहुत ही कम होंगे, बड़ी मुश्किल से 7 या 8 सवाल होने वाले हैं, लेकिन हर एक सवाल को हमको डिटेल में एनालिसिस करना है। कहने का मतलब क्या होगा कि हम लोगों को ये समझना है कि यार इस सवाल का ओरिजिन कहाँ से होता है और सिमिलर सवाल इस तरह के कैसे हमको पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से सुनिए। तो आज अपन राजस्थान एपीओ का अभी पेपर 8 PM पर तो क्या करेंगे, यूट्यूब पर है जो डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी एपीओ के एग्जाम के अंदर एविडेंस नाम का एक टॉपिक भी आता है जो कि जुडिशरी के अंदर भी कॉमन है, तो उसकी एक पुष्पा चैलेंज सीरीज होगी। पुष्पा बोले तो अपन झुकेगा नहीं, और ये जो चैलेंज सीरीज है वो आपको झुकाने के लिए जोर डालेगी। तो देखते हैं किसमें कितना दम, रात को 9 बजे। तो अभी आप मान के चलो कि भैया आपके 2 घंटे में बुक कर रहा हूँ, दोगे ना, दे देना। और साथ ही साथ 13 अप्रैल से अपना जो है लॉन्च हो चुका है, यानी कि कल की तारीख से जुडिशरी बेंच लॉन्च हो चुका है और एपीओ का बैच जो है लॉन्च होने वाला है 20 अप्रैल को। ठीक है, और आज आपके पास ये अंतिम जो है एक अवसर भी है कि आप इसमें लिंकिंग वाला अप्लाई करके जो है 12 मंथ के साथ 2 मंथ, 18 के साथ 3 मंथ और 24 के साथ 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। देखो जहां तक बात सिलेबस की कही जाए तो मैं आपको 2 स्टेट के सिलेबस के बारे में यहाँ पर जानकारी दूंगा। एक तो जैसे आपके राजस्थान एपीओ है, यूपी एपीओ है, इनमें जो मेजर सेगमेंट है जरा उसके बारे में बातचीत है जो करते हैं, समझना। यहाँ पर आपके इसके अंदर जैसे आप देखो मेजर सब्जेक्ट में कुछ इस तरीके से है कि आपके इंडियन पीनल कोड है वो लगभग 50 नंबर का, यानी कि ये सबसे बड़ा वेटेज आपके इंडियन पीनल कोड रख रहा है। सीआरपीसी और एविडेंस दोनों मिलाकर, सीआरपीसी और एविडेंस जो है दोनों मिलाकर लगभग आपके 50 नंबर का वेटेज रख रहे हैं, और बाकी के जो माइनर लॉ का सेगमेंट हो गया वो एक तरीके से 50 नंबर का होगा, और लैंग्वेज पेपर की बात आज मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ।
यानी कि राजस्थान के एपीओ में ये जो आपके सामने सिलेबस है ये चेंज हो सकता है। नया रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट जब भी आएगा तभी हम इस बात को कंफर्म कर पाएंगे कि नया सिलेबस क्या होगा। लेकिन ये तय है कि ये जो कानून है ना आपके आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ये तो 100% होंगे ही होंगे। एक अच्छी बात ये भी है कि इस पूरे माइनर लॉ के अंदर बड़ी मुश्किल से आप देखो ये दो या तीन आपके जो हैं क्रिमिनल लोकल लॉज है, क्रिमिनल लोकल लॉज है। अब भाई हर एक स्टेट का क्रिमिनल लोकल लॉ जो होता है ना वो आपके लिए दिक्कत है जो क्रिएट करता है, लेकिन एपीओ के एग्जामिनेशन में इतना कुछ खास लोकल लॉज का जिक्र नहीं होता है। यानी कि आप अगर कैंडिडेट्स राजस्थान से अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हो और आप बाकी की क्वालिफिकेशन को कवर है जो कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप राजस्थान एपीओ के एग्जामिनेशन के लिए भी क्या होंगे, एलिजिबल है जो होंगे। ठीक है, चलिए एपीओ के एग्जाम के अंदर दो ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए है ना सर? ऐसा नहीं है लेकिन आपको ज़रूरत पड़ सकती है ना, अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है लेकिन रिक्वायरमेंट हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखो, उसके लिए तैयार है जो रहिए। ऑब्वियसली बात है कि आपका मतलब रजिस्ट्रेशन साइज को केसेस नंबर ऑफ केसेस नहीं चाहिए, आप सीओपी आप लेके रखो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेके रखो, बाकी देखो हर एडवर्टाइजमेंट के अंदर आजकल क्वालिफिकेशन बदल रही है। ठीक है, तो आप जो है एक बार एडवर्टाइजमेंट को आ जाने दीजिए। ठीक, इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान है जो रखना है। तो आप शुरू करें यहाँ पर यूपी के एपीओ के अंदर भी आप देखो क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर एविडेंस वगैरह जीके जनरल हिंदी ऐसे सब्जेक्ट आते हैं। तो आप देखो इसमें जीके को छोड़ दो, जीके राजस्थान में नहीं आता, बाकी तो सेगमेंट सेम का सेम है, 100-100 मार्क्स टोटल 400 मार्क्स का यूपी एपीओ आता है। और भी अलग अलग स्टेट हैं जिनके बारे में डिस्कशन है जो करेंगे, आ जाइए आज इस टॉपिक पर अपना शुरुआत अपन करते हैं। एक एक सवाल को समझना वही मेन मुद्दा है। देखो सवाल क्वेश्चन आपके सामने है और वो क्या है, हाँ जी पिछली वैकेंसी, अब देखो इस पे फोकस कर लो भाई, जो भी है आपने सीओपी नहीं ले रखी तो लेके रख लो, इतना ही मैं आपसे कहूंगा। ओके, वो हमारे लिए बहुत जरूरी रहेगा। हाँ जी, अ ग्रुप ऑफ ट्रांसजेंडर एंटर इन द हाउस ऑफ ए, एक किन्नरों का जो एक समूह है वो ए के घर में प्रवेश करता है एंड हैव डिमांडेड मनी टू विच ही रिफ्यूज, और जिसके लिए ए ने मना कर दिया एंड आस्क देम टू गेट आउट। ये अक्सर होता है, आप लोगों ने देखा होगा शादी वादी के टाइम में या बच्चे के जन्म के टाइम में क्या होता है, किन्नरों का एक ग्रुप आता है, वो आपसे बधाई मांगता है और आप अगर उनके मन मुताबिक बधाई नहीं देते हो तो वो आसानी से जाते नहीं है। तो इस परिस्थिति के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या कोई अपराध किया है? दे डिड नॉट लीव द हाउस, वो घर को छोड़ते नहीं, घर से जाते नहीं है, तो उन्होंने क्या अपराध किया? चार आपके पास ऑप्शन है, रुक जाओ, इससे पहले कि आप लोग अपना आंसर दो, इससे पहले कि आप अपना आंसर दो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर इसके मेन प्रोविजन पर। देखिए अब इंडियन पिनल कोड का एक सेक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आज के बाद एक नई कोशिश भी यहाँ पर मैं करूँगा कि जो पर्टिकुलर सेक्शंस हैं वो आपको डायरेक्टली स्क्रीन पर मैं रीड आउट करवाऊँ और स्क्रीन के माध्यम से आपको उस चीज़ के बारे में समझाने का एफर्ट भी है जो करूँ। ओके, तो चलिए ये देखिए आपके सामने 441 ये रहा हमारे सामने। ठीक, अच्छे से ऑब्जर्व करना इस एस्पेक्ट को ताकि आप पूरा का पूरा सिनेरियो है जो अच्छे से माइंड में सेट कर सकें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको अच्छे से विजिबल होगा, फिर भी नहीं है तो अपने बेरेक पर है जो नज़र लगाइए। देखो सवाल क्या है हमारे पास में, तो क्रिमिनल ट्रेसपास आंसर तो इसका सही है, लेकिन एक बार जरा सवाल पर नज़र डालो, एक बार जरा क्वेश्चन पर नज़र डालो। 441 क्रिमिनल ट्रेसपास, वू एवर एंटर इनटू, एंटर वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर दोनों प्रिपोजिशन यूज किए गए हैं, इनटू भी लिखा हुआ है अपॉन भी लिखा हुआ है। जैसे मान लो लैंड है तो लैंड के इनटू तो कैसे जाएगा, लैंड के अपॉन ही आएगा, ये अंग्रेजी की ग्रामर है सूर्या सर से सीख लेना। ठीक है, नाउ अपॉन प्रॉपर्टी इन द पोजिशन ऑफ अनदर, अब यहाँ पर इन्होंने वर्ड लिखा है इन द पोजिशन, यानी कि ऑनरशिप जरूरी है क्या? जिस व्यक्ति के पास में पोजिशन है वो व्यक्ति ऑनर होगा तो ही ट्रेस पास हो सकता है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए किराएदार, अब किराएदार क्या, किराएदार मालिक तो है नहीं, ऑनर तो है नहीं, लेकिन उसकी ज़मीन के अंदर आप घुस गए तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर वो व्यक्ति जो है बकायदा अधिकार रखता है। ठीक, तो प्रॉपर्टी इन द पोजिशन ऑफ अनदर विथ इंटेंट टू, अब देखो यहाँ पर मेंसरिया भी है, मेंसरिया क्या है समझते हैं, यहाँ पर मेंसरिया है विथ इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, या तो उसका इरादा क्या है कोई ऑफेंस करने का है, या तो उसका इंटेंशन क्या है कोई ऑफेंस करने का है, या फिर और टू इंटिमिडेट इंसल्ट और एनॉय। अब इन्होंने एक साथ चार शब्द लिखे हैं, ऑब्जर्व करना, चार शब्द, अपराध करना, इंटिमिडेट करना। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंटिमिडेशन इज एन ऑफेंस, तो आपका आंसर यस होगा या नो होगा? इंटिमिडेट करना अपराध होता है क्या, हाँ या ना?
इंटिमिडेशन करना, इसको बोला जाता है अभित्रांशित करना, क्या ये अपराध है? क्या ये ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा? आपका आंसर क्या? फटाफट बताओ, कमेंट बॉक्स के अंदर आपके आंसर आने चाहिए। बस यहीं पे फर्क होता है, पता है, अनअकैडमी ऐप पर जब डील करते कमेंट्स के आंसर फटाफट जो आ जाते हैं। आप में से अधिकतर कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर यस, इंटिमिडेशन अपराध है। चलो अब जो कैंडिडेट्स कह रहे हैं, ध्यान से सुनना इस सवाल को, आप में से जो कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि इंटिमिडेशन अपराध है, तो जब वो ऑफेंस में ऑलरेडी इंक्लूड है, तो ये कानून बनाने वाले बेवकूफ हैं जिन्होंने ऑफेंस वर्ड को अलग से लिखा है और इंटिमिडेट वर्ड को अलग से लिखा है। सोचो जरा, दिमाग पे जोर लगाओ। अगर ये दोनों, इंटिमिडेशन भी ऑफेंस ही है, तो यहां पर इन्होंने इसको अलग से क्यों लिखा? अब जैसे ये तो वही बात हो गई जैसे आपके स्कूल के अंदर इंस्ट्रक्शन आए कि सभी बच्चे शर्ट पहन के आएंगे। क्या लिखा? सभी बच्चे शर्ट पहन के आएंगे और लाल शर्ट पहन के आएंगे, या शर्ट या लाल शर्ट पहन के आएंगे। तो ये तो अपने आप में गड़बड़ हो जाएगा ना, ये तो अपने आप में गड़बड़ हो जाएगा। आशीष जी, 20th को जो क्लास स्टार्ट हो रहा है ना डियर, वो आपके यूपी एपीओ के लिए भी है। मैं फिर से बार बार यही तो कह रहा हूँ, राजस्थान, यूपी, एमपी, आपके बिहार, झारखंड, जितने भी स्टेट के, ऑल स्टेट के अंदर जो एपीओ एग्जाम है सबको कवर कर रहा है। तो सोचो, इंटिमिडेशन अगर अपराध है तो ऑफेंस वर्ड में इसको इंक्लूड माना जाएगा, फिर कानून बनाने वालों ने ये बेवकूफी क्यों की? क्योंकि पहले इन्होंने ऑफेंस शब्द लिख दिया, उसके बाद इंटिमिडेट लिख दिया। अरे भाई, इंटिमिडेशन अपराध नहीं है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन अपराध है। क्या है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन अपराध है। यहां पर वर्ड क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं लिखा हुआ। सर क्या फर्क पड़ता है? मतलब तो वही, कैसे मतलब वही है, बहुत अंतर है। अगर आप वर्ड कॉन्स्पिरेसी इस्तेमाल करते हो ना, कॉन्स्पिरेसी, तो आपका जिक्र जाना चाहिए 107 के साथ में, और अगर आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वर्ड का इस्तेमाल करते हो तो 120A में जाना चाहिए। अंतर तो है ही। ऑब्जर्व दिस पॉइंट, ये गलतियां एग्जाम के अंदर अक्सर हो जाती है। और दूसरी बात है, अंतर नहीं होता तो हमारे कानून बनाने वाले इन दोनों शब्दों को अलग अलग नहीं लिखते, ठीक है? और पॉइंट समझो, तो उनका इंटेंशन क्या है? ऑफेंस करना, इंटिमिडेट करना, इंसल्ट करना, एनॉय करना। इंसल्ट मतलब बेइज्जती करवाना, है ना, या फिर एनॉय, एनॉय का मतलब होता है उसको एक तरीके से शोभकारित करना, उसको एक तरीके से उसके मन में डर क्रिएट करना, ठीक? तो यहां पर चार बातें लिखी हुई है कि उनकी मेन श्रेया एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार में से कोई भी एक हो सकती है। अब इतना डिटेल में मैं आपको क्यों बता रहा हूं, पता है आपको? सोचो जरा, ये किन्नर घर के अंदर घुसे, किन्नर घर के अंदर घुसे, इन्होंने कोई मारपीट की, इन्होंने उठा उठा के पटका नहीं से किसी को, क्या इन्होंने वहां पर जबरदस्ती से मतलब बंदूक लेके कहते कि पैसे निकाल नहीं तो गोली मार देंगे, ऐसा कुछ किया नहीं ना? क्या उन्होंने इस तरीके से, उनका इंटेंशन घर में घुसने का, उनका इंटेंशन अपराध करना था? हाँ या ना बताओ मुझे, क्या घर में उनके घुसने का इंटेंशन अपराध करना था? क्या मजाक नहीं होता है? कानून हमको बहुत ही गहराई में जाकर एक एक शब्द का मतलब निकालना पड़ता है ना? अब सोचो, उसका इंटेंशन अपराध करना नहीं था और आप कह रहे हो कि इंटिमिडेशन अपराध है, तब तो वो डायरेक्टली आउट हो गया। फिर आप उसको 441 की परिभाषा में कैसे लाओगे? इसलिए मैंने आपके सामने आज 441 की परिभाषा रखी है, इसकी डेफिनेशन रखी है, ताकि आप बेरेट के अकॉर्डिंग इसको ऑब्जर्व कर सको। तो यहां क्या लिखा हुआ है? कमिट एन ऑफेंस, इंटिमिडेट, इंसल्ट, एनॉय, यानी कि अपराध के अलावा अगर तीन और चीजें भी हैं और वो तीन और चीजें भी करने के लिए आप किसी के घर में उसकी कंसेंट के बिना जाते हो, तो भी वहां पर आपके क्रिमिनल ट्रेसपास आएगा। और किन्नर के केस में बात लागू हो रही है, इंसल्ट और अनॉय एनी पर्सन। अब देखो एक और बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? एनी पर्सन। अब मुझे बताओ कि किन्नर जो है मिस्टर ए के घर में घुसे, ध्यान से सुनना क्योंकि इसका जवाब आप लोग गलत दोगे। किन्नर जो है मिस्टर ए के घर में घुसे और मिस्टर ए के घर में जो है मिस्टर बी गेस्ट बन के आया हुआ था। किन्नर मिस्टर ए के घर में घुसे और मिस्टर बी के इंसल्ट कर रहे हैं। उनका इंटेंशन क्या था? कि मिस्टर ए के घर पे जाकर मिस्टर बी की इंसल्ट करना। क्या तो भी वो क्रिमिनल ट्रेसपास आएगा? या फिर ऐसा होता है कि जिसकी, जिसका घर है, जिसके कब्जे में घर है, उसी की जाके इंसल्ट करोगे तो एक क्रिमिनल ट्रेसपास आएगा? हमें लगता है सर हैं, ये तो हमको पता है। ऑब्जर्व करो यहां पे क्या लिखा हुआ है। वो एवर एंटर अपॉन प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ अनोदर, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में घुसते हैं और उन्होंने लिखा है इंसल्ट और अनॉय एनी पर्सन। वर्ड क्या लिखा हुआ है? एनी पर्सन। आपको पता है अभी तो आपके सामने बेरेट की भाषा खुली हुई है, इसलिए आप हो सकता है आंसर दे पाओ। एग्जाम के अंदर क्या सीन क्रिएट होता है? एग्जाम के अंदर हमें लगता है कि यार जिस बंदे के घर में घुसेगा उसी की इंसल्ट करेगा, तभी तो क्रिमिनल ट्रेसपास होगा।
ए के घर में जा रहा है बी की इंसल्ट करने, तो उसको क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे कहेंगे? नहीं, यहां पर वर्ड लिखा हुआ है एनी पर्सन। क्या वर्ड लिखा हुआ है? एनी। तो एनी का मतलब कोई भी व्यक्ति जो उसके घर पर है उसको क्या करना, इंटिमिडेट करना, धमकाना, इंसल्ट करना, एनॉय करना, एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। लेकिन जब आप इस वर्ड को ढूंढते हो ना, इसको अंडरलाइन करना, यहां पर आपको कुछ और नया कहते हैं कानून को पूरा पढ़ना जरूरी होता है। एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। अब कहानी में ट्विस्ट, इसलिए कहते हैं लॉ की भाषा जो है ना फ्लो फ्लो में चलते चलते बहुत कुछ डिसाइड करती है। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ, किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी के पोजेशन में घुसा ऑफेंस करने के लिए, इंटिमिडेट करने या इंसल्ट एनॉय, किसका? एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। जब इस लाइन को पूरा पढ़ लिया जाता है ना तो पता चलता है भैया ए के पोजेशन में प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी में आप घुसे ऑफेंस करने के लिए, ए को इंटिमिडेट करने के लिए, ए को इंसल्ट करने के लिए, ए को एनॉय करने के लिए। समझ रहे हो? मतलब जिस बंदे के पास कब्जा है उसी की इंसल्ट करना, उसी की इंटिमिडेट करना और साथ उसी को एनॉय करना। सर आप हमको कंफ्यूज कर रहे हो। करूंगा ईच, क्योंकि तुम जानबूझकर कंफ्यूज हो रहे हो। यहां पर जब हम किसी वर्ड को देखो, लॉ को हमें पूरा पढ़ना पड़ता है, इतना तो पता है ना, ये तो बचपन से सीखते आए हैं LLB से। तो यहां पर क्या है, एनी पर्सन वर्ड जैसे ही आया है तो हमको एनी पर्सन को इसके साथ में इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी के साथ पढ़ना है। अगर आपने सिर्फ एक वर्ड पढ़ के आंसर दे दिया तो आंसर खोटा हो जाएगा। थिंक अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं यहां पर, या फिर ये तो हो गया इसका पहला भाग। ये तो क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक इसका पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब आता है आपके सामने दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है कि भाई आपने एंट्री तो लॉफुली मारी थी, है ना, अतिथि कब जाओगे, आए तो अतिथि लॉफुल थे। तो हैविंग लॉफुली एंटर्ड इनटू और अपॉन सच प्रॉपर्टी, अनलॉफुली रिमेन देयर विद इंटेंट देयर बाय टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉय एनी सच पर्सन और विद इंटेंट टू कमिट एनी ऑफेंस। मतलब ये जो चार बातें यहां पर लिखी हुई है ना, ये पहली बात, ये दूसरी बात, ये तीसरी बात, ये चौथी बात, तो चार बातों के लिए क्रिमिनल ट्रेसपास किया जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, चार बातों के लिए क्रिमिनल ट्रेसपास किया जाता है। ठीक है, अब समझना यहां पर। सर आप बोले कि आज सिर्फ 8 क्वेश्चन होंगे, बताएं बाकी क्वेश्चन। अरे यार जो मैं चीज समझा रहा हूं उस पर तो फोकस करोगे नहीं। अब ये जो चीज आपको कहीं पर पैसे देकर भी नहीं मिलने वाली वो आपको समझा रहे, सवाल तो आपके पास पड़े हैं, जाके उसको RPSC की साइट से डाउनलोड कर लो, आंसर की टिक कर लो, वहीं से भी सवाल हो जाएगा। स्वर सहाजी चीज को समझो, मेन कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करो कि हमसे गलती कहां पे हो सकती है। देखो तो ये पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ यहां पर क्या जाएगा इस तरीके। तो कहने का मतलब 440 में दोनों चीजें आ गई। अब इस बात पे वापस आ जाऊं तो क्या हुआ, ट्रांसजेंडर एंटर हुए घर के अंदर और उन्होंने डिमांड की पैसों की, रिफ्यूज करने पर, तो यहां पर आंसर आ तो जाएगा, लेकिन 441 के अंदर ये जब एनालिसिस करेंगे ना तब वो आंसर हमारे सामने है जो रहेगा। ठीक है, तब हमारे सामने ही आंसर है जो रहेगा क्रिमिनल ट्रेसपास के एंगल से। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आपसे एग्जाम में सवाल पता है क्या आ सकता है, आपसे सवाल में यह भी पूछा जा सकता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन सिरिया, विच ऑफ फॉलोइंग इज मेन सिरिया, इनमें से कौन सी मेन सिरिया है। ठीक है, तो आपको ये चारों वर्ड याद रखने पड़ेंगे, चारों शब्द जो है क्या करने पड़ेंगे, याद है जो रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जी कॉन्सेप्ट ही लेना है, हाँ बस, तो कॉन्सेप्ट लो, कॉन्सेप्ट लो, जज बनो, गुलाब जामुन खिलाओ, खुद भी खाओ, हम सभी को खिलाओ, आनंद करो। अब अंदर आ जाओ यहाँ पे। तो इस कहने का मतलब ये हो गया कि हमको थोड़ा सा है ना ऑब्जर्वेशन पूरा बढ़िया से रखना है। तो यहाँ पर क्या है, कोई अपराध करे, अभित्राश करे, अपमानित करे, शुद्ध करे, चारों तरह की मेन सिरिया हो सकती है, या तो घर में एंटर करते समय या एंटर होने के बाद वहां पर जबरदस्ती रहने के कारण। ठीक है, चलिए तो ये आपका पहला सवाल है, आंसर क्या होगा, क्रिमिनल ट्रेसपास यहां पे आएगा। अच्छा एक और चीज, एक वर्ड लिखा हुआ न्यूसेंस, मुझे आंसर हाँ या ना में बताओ, वेदर IPC कंटेन पनिशेबिलिटी ऑफ न्यूसेंस, यस और नो। यहां पर वर्ड लिखा हुआ न्यूसेंस, न्यूसेंस तो दो तरह के हो सकते हैं, पब्लिक न्यूसेंस भी आ सकता है, प्राइवेट न्यूसेंस भी आ सकता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों न्यूसेंस आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ न्यूसेंस, क्या आप इसको पब्लिक न्यूसेंस कहोगे, क्या हम इसको पब्लिक न्यूसेंस कह सकते हैं? अरे भाई जब एक एक जगह पे एक एक घर में शादी हो रही है, एक का घर कोई पब्लिक प्लेस तो हुआ नहीं। ठीक है, तो वहां पर उसको अपन पब्लिक न्यूसेंस कैसे कहेंगे, सोचो। पब्लिक न्यूसेंस कब कहा जाता है, जब सेक्शन 268 सेटिस्फाइड हो। सेक्शन 268 देखो, करो MCQ का पोस्टमार्टम। अगर आप वाकई में शानदार तैयारी करना चाहते हो ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके जो है 20 अप्रैल को जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है उसको ज्वाइन करो तभी आपकी शानदार तैयारी होगी, ना।
आपकी शानदार तैयारी तब होगी जब आप एमसीक्यू का पोस्टमार्टम करना सीख लोगे। एमसीक्यू का क्या करना, पोस्टमार्टम करना जो है सीख लोगे ना उस दिन से। अब जैसे वर्ड आ गया न्यूसेंस, इसके बाल की खाल खींचो। न्यूसेंस वर्ड आया है, इन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया पब्लिक न्यूसेंस या प्राइवेट न्यूसेंस, ठीक है, तो हम क्या प्रिज्यूम करेंगे? हम कुछ भी प्रिज्यूम नहीं करेंगे। और क्यों करें? अगर उनको पब्लिक न्यूसेंस वर्ड लिखना है तो वो स्पेसिफिकली लिखे, ठीक है। अगर मान लो यहां पर पब्लिक न्यूसेंस आप चले भी गए तो आप किसके बारे में सोचोगे? सेक्शन 268, ठीक है। 268 में क्या आता है कि आप जो है पब्लिक कम्युनिटी को, पब्लिक ग्रुप को कॉमन एनॉय, कॉमन डेंजर, है ना, इस तरीके से क्रिएट कर दो वहां पर आपके सामने, या कॉमन इंजरी। चार तीन शब्द हमारे पास में आते हैं, क्या क्या शब्द आते हैं देखो, सेक्शन 268 के अंदर आपके सामने तीन शब्द है जो होने चाहिए। पहला पॉइंट कौन सा आएगा? कॉमन, या तो आप उनको इंजरी कारित कर रहे हो, ठीक है। दूसरा वहां पर क्या था, आप उनके लिए कॉमन डेंजर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, या फिर कॉमन एनॉयंस कर रहे हो। और कॉमन का मतलब क्या? कॉमन का मतलब होता है एक से ज्यादा पर्सन जिनका सेम इंटरेस्ट है। तो यहां पर तो वो किसको धमका रहे हैं? वो तो सिर्फ एक को ही धमका रहे हैं ना, वो एक को ही तो कह रहे हैं कि भाई हमको पैसे दो, तो यहां पर कॉमन एनॉयंस तो हुआ ही नहीं, तो 268 आने का सवाल ही नहीं होता। इसलिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और रही बात प्राइवेट न्यूसेंस की, तो इंडियन पिनल कोड में भैया प्राइवेट न्यूसेंस पनिशेबल है क्या? नहीं है। इंडियन पिनल कोड के अंदर प्राइवेट न्यूसेंस की पनिशेबिलिटी का सवाल दे ही नहीं रखा है। कहां दे रखा है बताओ? क्या चैप्टर 16 ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी के अंदर दे रखा है? नहीं। क्या चैप्टर 17 में प्रॉपर्टी के खिलाफ दे रखा है? नहीं। फिर आपके चैप्टर 14 में, चैप्टर 14 तो पब्लिक ऑफेंस के बारे में डील करता है। ये सब हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं अगले सवाल पर। ऑन इज मैरिज, शादी पर जो है, अ ग्रूम वाज गिफ्टेड अ कार बट ऑन ब्रेकेज ऑफ मैरिज, मतलब शादी पर जो है उसको एक कार गिफ्ट में मिली, ठीक है, लेकिन जब शादी टूट गई तो उसको कहा गया कि भैया कार रिटर्न करो, ठीक है, और लेकिन उसने मना कर दिया। तो बताओ उसने यहां पर कौन सा अपराध है जो किया है? शादी के अंदर कार मिली, बाद में शादी टूट गई, फिर उसने कहा कार रिटर्न करो, मेरे पापा ने दी है, मेरी कार वापस दो, ऐसा उस लड़की ने कहा। उस बंदे ने कहा इल्ले ठिंगा, नहीं दूंगा, तो रिफ्यूज कर दिया। तो बताओ उसने कौन सा अपराध यहां पर किया है, कौन सा अपराध किया है? और जिनका आंसर डी है वो बताओ लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है? अगर आपका आंसर डी है तो लॉजिक क्या होगा? सर मैं ऐप पर बहुत बहुत बधाई, मैं आपका बहुत बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, फैन हूँ, अच्छा ओके ठीक है, लॉजिक क्या होगा बताओ? ध्यान रखना कि भैया गिफ्ट में दिया गया प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलता है, लेकिन गिफ्ट वैलिड होना चाहिए, है ना। तो जो चीज़ आपको गिफ्ट में दे दी उसके बाद आप उसको नहीं मांग सकते, उसके बाद उसको आप नहीं मांग सकते। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर गिफ्ट की जगह वर्ड लिखा रहता स्त्री धन और वो उसको कहा गया वापस तो और उसने नहीं दिया, अब बताओ क्या आंसर होगा? गिफ्ट नहीं था, क्या था? स्त्री धन था, और फिर भी उसने वो नहीं लौटाया, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? शादी के समय स्त्री धन दिया गया उसको, ठीक है, बेटी के लिए, और शादी जब टूट गई तो उसका स्त्री धन मांगा गया, उसने मना कर दिया। सर ये तो स्त्री धन है ना, कहाँ लिखा हुआ है? एक तो हमारी नारी शक्ति है ना, हर जगह पे कॉपीराइट कर देगी। अरे सुनो तो सी, कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ तो क्लियर लिखा हुआ है ग्रूम, ग्रूम का बोले तो दूल्हा, ग्रूम वॉज गिफ्टेड, ग्रूम को गिफ्ट दिया गया, दूल्हे को गिफ्ट दिया गया। कौन सा ऑफेंस? लॉ विद केदार, बहुत अच्छा नाम लिखा है आपने, मुझे बताओ तो स्त्री धन में ऑफेंस होगा वापिस तो कौन सा ऑफेंस होगा? ओके दीपक गौतम जी आंसर दीजिए, थोड़े से लेट आए हो। गिफ्ट तो डॉवरी का स्त्री धन ही है। अब यार आप लोग है ना अपनी परिभाषाएं मत बनाओ, अभी तक तो आप जज बनोगे या एपीओ बनोगे, एमएलए एमपी बन जाओ, पार्लियामेंट में बैठ जाओ, तब परिभाषाएं बनाना। अब आपने क्या कहा कि गिफ्ट तो डॉवरी का स्त्री धन है, मुझे बताओ डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कोई गिफ्ट दे दिया तो वो स्त्री धन में चला जाएगा? कहां लिखा हुआ है ऐसा? थिंक अबाउट इट। सेक्शन 91 इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई करो। आपके पास डॉक्यूमेंट है? थिंक अबाउट इट। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, एपीपी बनोगे, सरकारी वकील बनोगे, जज बनोगे। सर आज आप इतने चिड़चिड़े क्यों, नाराज क्यों, इतने गुस्से में क्यों बात करो? अरे गुस्से में बात नहीं कर रहा हूं, जो हकीकत है वो बता रहा हूं।
कल जैसे, देखो अभी गलतियां करेंगे सब माफ है, लेकिन एग्जाम जज, आप मानो जज बनने के बाद गलती करोगे या फिर जो है एक सरकारी वकील बनने के बाद गलती करोगे, दुनिया माफ नहीं करेगी, दुनिया माफ नहीं करती, पीछे भागेगी आपके। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड अंकुर कुमार जी, उस समय जो है ना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध बन जाएगा। कैसा अपराध बन जाएगा? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध वहां पर बन जाएगा, ठीक है, ये सीन वहां पर हमारे क्रिएट होगा। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उस अगर स्त्री धन होता ना, स्त्री धन मतलब उसको नहीं दिया है हमने, हमको उसने एक पिता ने अपनी बेटी को दिया है और बेटी के बिहाव पर उसको रखा है, भाई तुम बेटी के स्त्री धन का ध्यान रखो। सर कार लड़की के नाम हो तो ये अच्छा सवाल है, आजकल यही करते हैं। आप तो कार कह रहे हो, पता है एक को छोटा सा चम्मच देते ना उस पर लिखाते हैं पुत्री, पुत्री सुशीला कुमारी की शादी में सप्रेम भेंट पुत्री को दिया जाता है। क्या लिखेंगे? पुत्री को, ये नहीं लिखेंगे जमाई को दिया जाता है। तो इसीलिए कार के ऊपर तो पहले करते हैं, अगर कार लड़की के नाम की है तो उसको गिफ्ट नहीं कहेंगे, पहली बात तो ये, कार लड़की के नाम की है तो उसको आप गिफ्ट मत कहो, ठीक है, वो गिफ्ट फिर दूल्हे को नहीं दिया है, दूल्हा ऐसे ही राजी हो रहा है ना, दूल्हा ऐसे ही खुश हो रहा है कि बल्ले बल्ले मेरी शादी में तो कार लेके आ गया, मैं निकला गड्डी लेके, अरे मत निकल, तेरे नाम की नहीं है गाड़ी, पुलिस चालान काट देगी। तो ये पॉइंट वहां पर आ जाता है। तो लड़की के नाम की है तो भैया भूल जाओ, वो एक्चुअली में दूल्हे का, उस पर कोई राइट ही नहीं है, और लड़की ठोक बजा के, अगर शादी टूट गई ना, ठोक बजा के कार को वापस लेके जाएगी, और इसके लिए ठोकना बजाना अगर दूल्हे को भी पड़ा तो उसको भी ठोकेगी बजाएगी, पुलिस कुछ नहीं करेगी। चलो हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, नो ऑफेंस का क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन वैलिड गिफ्ट है जो यहां पर होना चाहिए, और स्त्री धन का भी पॉइंट मैंने आपको साथ साथ कोरिलेट कर दिया। देखो तो जब भी कोई एक वर्ड आए ना तो उसका पूरा ऑब्जर्वेशन सोचो, ऑब्जर्वेशन सोचोगे तो वो चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। हाँ जी ओके, अब जितनी भी लड़कियां इस क्लास को देख रही है ना, और जो क्या है मतलब अविवाहित है, अनमैरिड है, वो 100% यही करेगी, पापा कुछ भी देना है मेरे नाम पर देना, मेरे नाम पर देना, ठीक है। खैर भगवान न करे ऐसा कभी कुछ हो कि जो है आपको विवाह विच्छेद का सामना करना पड़े, आपका पति हमेशा झुक झुक कर चले, शादी अच्छे से बनी रहे, झुकेगा तो वही, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, नरशक्ति झुकती है। चलो अगला सवाल, अ डिक्लेरेशन ऑफ फोर फीचर ऑफ बुक हैज बीन मेड अंडर सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। एक डिक्लेरेशन ऑफ फोर फीचर क्या की गई, की गई। अब इसको समझना, यहां पर क्या बात आ रही है कि भाई कई बार क्या होता है, कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो ऑब्सीन टाइप की हो, जो है ना सीडीसीएस हो, देशद्रोही टाइप की हो, इस तरह की सिचुएशन कोई है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है सिचुएशन के अंदर आपको आदेश दिया जा सकता है, डिक्लेरेशन दी जा सकती है कि भाई इसको है जो क्या कर दिया, जब्त है जो कर दिया जाए, ठीक। और अगर आप जब्त करते हो तो सिचुएशन में क्या होगा, वो बात यहां पर आपके सामने आ रही है। द पब्लिशर ऑफ दैट बुक हैविंग इंटरेस्ट इन दैट बुक, देखो क्या लिखा हुआ, एक एक वर्ड का मतलब निकलता है। पब्लिशर जिसका इंटरेस्ट है इन दैट बुक कैन अप्लाई टू विच कोर्ट, कौन से कोर्ट में वो अप्लाई करेगा टू सेट असाइड, ताकि सेट असाइड करा सके ऐसी डिक्लेरेशन को, ऑन द ग्राउंड दैट द बुक इन रेस्पेक्ट टू डिक्लेरेशन में डिड नॉट कंटेन एनी सच मैटर, कि भाई ऐसा कोई भी मैटर वहां पर कंटेन है जो नहीं है। चलो अब मैं आपको जरा लेके चलता हूं सेक्शन आपके 95 पर, इसलिए लेकर चल रहा हूं कि एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको यहां पर ऑब्जर्व है जो करना है। हाँ जी, सीआरपीसी के अंदर आ जाते हैं अपन, और हमारे पास हमको चाहिए क्या, सेक्शन 95। अब देखो ये तरीका कैसा लगा आपको, मतलब हैंड टू हैंड हम लोग क्या है सेक्शन खोलेंगे और पढ़ डालेंगे, है ना, बहुत बदमाश हो, यूनिक कमेंट बॉक्स में तारीफ करोगे, हाँ सर ये अच्छा तरीका लगा, हमको बेरेट खोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आरसी थे, आपने बहुत अच्छा काम कर दिया सर, थैंक यू। हाँ अब इस बात को समझो, यहां पर सेक्शन 95 का मैंने जिक्र करा, मैं जहां पर अंडरलाइन करवा रहा हूं ना वहां पे फोकस करना, इसलिए फोकस करना क्योंकि एग्जाम के अंदर ये चीज आपके सामने बहुत रिलेवेंट है जो होगी। देखो पावर टू डिक्लेयर सर्टन पब्लिक, हेडिंग क्या आ गई कि पावर टू डिक्लेयर सर्टन पब्लिकेशन फॉरफिटेड सर्च वारंट फॉर द सेम, और उसके लिए सर्च वारंट जारी करना। यहां पर एक नहीं दो प्रोविजन है, एक तो फोर फीचर का डिक्लेरेशन करना और उसके लिए वापस सर्च वारंट जारी करना, ठीक है। कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट, अब यहां पर आईपीसी के जो अपराध दे रखे हैं 124A, 153A, 153B, 292, 293 और 295A। अब आपको एक बात कहूं, आप लोग करोगे तो नहीं, फिर भी कह देता हूं, रेड पेन उठाओ और जब बेरेट पढ़ते हो ना, और बेरेट के किसी एक सेक्शन में जब दूसरे सेक्शन का जिक्र आए, क्या कह रहा हूं मैं, बेरेट के अंदर जब किसी एक सेक्शन के अंदर दूसरे सेक्शन का जिक्र आए, बकायदा रेड पेन लेके गोला कर दो वहां पर, अच्छे से एकदम गोला कर दो। क्यों?
क्योंकि भविष्य में जब भी आप उस सेक्शन को वहां पढ़ने आओगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि अच्छा अब देखो यहां पर पहले किया हुआ। अगर मैं 95 में पहले किया होता तो सीधी मेरी नजर इसके ऊपर पड़ती, और नजर पड़ती तो मुझे पता चल जाता कि भाई ये वाला प्रोविजन मुझे दिमाग में सेट है जो करके रखना है। 124A, 153A, 153B, 292, 293 और 295A, ये सारे IPC के वो सेक्शन है। अच्छा, और इसी बहाने आपका मन करेगा कि यार इन सेक्शन के बारे में थोड़ा जान तो लूं, IPC में जाकर इन सेक्शन के बारे में थोड़ी हेडिंग तो पढ़ लूं। तो 95 जो है आपको इंडियन पीनल कोड के 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेक्शन से आपकी इमीडिएट लिंकिंग है जो करवाएगा। यहां पर आप मजबूर होंगे कि आप क्या करो, 6 सेक्शन जो है इंडियन पीनल कोड के उसी समय जाओ उनको ऑब्जर्व करो। तो एक सेक्शन को समझने के लिए 6 अलग अलग सेक्शन आप ऑब्जर्व करोगे और 100% वो आपको हेल्प करेगा। इसी बहाने जैसे 124 सीडिशन हो गया, 153 दो अलग अलग ग्रुपों के अंदर एनिमिटी फैलाना, 153 नेशनल इंटीग्रेशन को तोड़ना, उसके खिलाफ कोई अपराध करना, 292, 93 ऑब्सीन ऑब्जेक्ट सेल करना, यंग पर्सन 20 साल से कम वाले को करोगे तो 293 आ जाएगा, और 295 एक अंदर क्या आ रहा है कि आप रिलीजियस फीलिंग वगैरह को हर्ट करते हो। तो ये बात हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई भी न्यूज़पेपर जो है इस अपराध से संबंधित है, इस अपराध वाला कोई मटेरियल कंटेन करके रखता है, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट, कौन स्टेट गवर्नमेंट, ये एग्जाम का सवाल है कि ये डिक्लेरेशन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा यहां पर, ठीक है। बाय नोटिफिकेशन स्टेटिंग दैट द ग्राउंड ऑफ इट्स ओपिनियन, किस ग्राउंड पर डिक्लेयर करेगी कि एवरी कॉपी ऑफ इश्यू ऑफ द न्यूज़पेपर जिसमें ऐसा मैटर है उसको फॉरफिट है जो कर लिया जाए, ठीक। ये एक पार्ट खत्म होता है यहां पर, ये आपका एक पार्ट। देखो बेरेट के अंदर सेक्शन की भाषा को भी टुकड़ों में डिवाइड करना स्टार्ट करो। तो ये एक पार्ट हमारे पास में आया, हमने इसके टुकड़े कर दिए, ठीक। तो यहां तक पहला टुकड़ा, यहां तक किसका रोल था, यहां तक रोल था SG बोले तो स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का यहां पर रोल था। अब अगला देखो, देयर अपॉन एनी पुलिस ऑफिसर मे सीज द सेम वेन एवर फाउंड इन इंडिया, तो फिर वहां पर क्या कर सकता है, फिर आपके सेकंड रोल किसका आ रहा है, पुलिस ऑफिसर का, वो उसको सीज कर देगा, जब्त है जो कर देगा। एंड एनी मजिस्ट्रेट, फिर आपके तीसरा पॉइंट, फिर यहां पर मजिस्ट्रेट का रोल पिक्चर में आ रहा है, मे बाय वारंट ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI, ये भी सवाल है कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वारंट के द्वारा ऑथराइज करेगा ऐसे पुलिस ऑफिसर को जो SI की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, SI की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, कि वो उस एरिया के अंदर एंटर करे, सर्च करे एनी प्रीमाइसेस को जहां पर ऐसी कॉपी पाई जाती है और उसको क्या कर ले, इस तरीके से जब्त वगैरह है जो कर ले, ठीक। अब यहां पर ये बात है, मेन सेक्शन इतना ही है। अब जब इस तरीके की चीज हो जाती है ना, इस तरीके की चीज हो जाती है, तो फिर इसको सेट असाइड करने के लिए 95 को लिंक किया जाता है 96 के साथ में। 96 में लिखा हुआ है कि आप हाई कोर्ट के अंदर अप्लाई करो, हाई कोर्ट में 3 जजेस की मिनिमम बेंच वहां पर बैठेगी, ठीक है, वो इस मामले को सुन के क्या करेगी, इस तरह की डिक्लेरेशन को सेट असाइड है जो करेगी। तो देखो आंसर तो बड़ा क्लियर था, यहां पर हम लोग सीधा आंसर दे सकते थे कि भाई ये हाई कोर्ट हमारा ये आंसर, लेकिन अगर सीधा आंसर दे देते तो मुझे बताओ क्या इतनी सारी बातें जानने का मजा आता, नहीं आता। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोगों को उस सेक्शन का पोस्टमार्टम करना पड़ता है। अगर मैं इस सेक्शन को डिवाइड करूं तो यहां पर क्या आपके सामने आ रहा है, देखो समझना, बेसिकली इस सेक्शन में आपके सामने जो चीज आ रही है उसको ऑब्जर्व करना। यहां पर ये मेरा, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया सेक्शन 95, ठीक है। अब इसमें 3 लोगों के रोल आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, पुलिस के और मजिस्ट्रेट के, ठीक। तो देखो स्टेट गवर्नमेंट का यहां पर क्या रोल आ रहा है कि वो ऐसा कोई भी अपराध, ये जो IPC के रिलेवेंट अपराध है, IPC के ऑफेंस के संबंध में, अब ऑफेंस की लिस्ट वही हो जाएगी 124A, 153A या B, उसके बाद 292, फिर 293, या फिर आपके जो है एक और कौन सा बच गया था, 195A, ये वाले अपराध वहां पर हो जाए। तो वहां पर वो क्या करेगी, डिक्लेयर करेगी। तो डिक्लेयर करने की पावर, डिक्लेयर करने की, घोषणा करने की शक्ति किसके पास में है, स्टेट गवर्नमेंट के पास से फोरफिट करने की डिक्लेरेशन देना, ठीक। उसके बाद में दूसरा रोल वहां पर आ रहा है आपके पास पुलिस का, पुलिस के पास सीधा रोल है कि जो डिक्लेरेशन है उसको क्या कर सकती है, वो सीज कर सकती है, जब्त है जो कर सकती है। अच्छा, फिर तीसरा रोल आता है मजिस्ट्रेट का, तीसरा रोल यहां पर मजिस्ट्रेट, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट का रोल है। मजिस्ट्रेट वहां पर क्या करेगा, मजिस्ट्रेट वहां पर जो है एक सर्च वारंट जारी करेगा, मजिस्ट्रेट वहां पर एक
सर्च वारंट है जो जारी करेगा, जो ऐसे पुलिस ऑफिसर के नाम से होगा जो कि क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू सब इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर का होना चाहिए। तो ये तीनों के तीन रोल आ गए यहां पर, इन तीनों के तीन जो है यहां पर क्या आ गए, रोल है जो आ गए, पहला मामला, दूसरा मामला, तीसरा, और आप इसके अकॉर्डिंग इसको याद कर लो, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये जो डिक्लेरेशन इसने दी है, इस डिक्लेरेशन को क्या किया जाएगा, सेक्शन 96 के तहत, ये जो डिक्लेरेशन इसने दी है ना यहां पर, इस डिक्लेरेशन को सेक्शन 96 में हाईकोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे। हाईकोर्ट में चैलेंज करने का मतलब सेक्शन 96, और फिर भी इसकी स्ट्रक्चर है जो मेंशन कर दो। तो हमको इस तरीके से डिवाइड करना पड़ता है, ये जो भाषा लिखी हुई ना, भाषा को कन्वर्ट करेंगे तो एग्जाम के अंदर गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। सर आपने 195 ए लिख दिया, अच्छा सॉरी 295 है, ठीक है, रिलीजियस वाला ऑफेंस है वहां पर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा काम बहुत आसान है जो हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी योगिता ललवानी जी, ओके गॉट इट, थैंक यू। ओके तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से इन चीजों का पोस्टमार्टम कर देना है। देखो यार, बात सिर्फ आपसे इतनी कहना चाहता हूं, एक सवाल सॉल्व करना तो यार एक मच्छर को मारने जैसा है, हमला करना है ना तो मच्छरों के झुंड पर करो। पता है गांव के अंदर किसान क्या करता है, जब उनको लगता है कि भाई जो है पेड़ के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है, घर के अंदर मधुमक्खी का छत्ता है, तो वो एक एक मधुमक्खी को चुन चुन के नहीं मारते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे गाय का सूखा हुआ गोबर होता है, जहां से धुआं निकल सके, स्मोक निकल सके, उसको जला के उसके नीचे रख लेते हैं। मधुमक्खियां बिना नुकसान, बिना किसी को डंक मारे, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, वहां से सांप हो जाती है, हट जाती है। तरीका है, हमको भी ऐसा करना है, और ऐसा करने के लिए हमको पूरा लिंकिंग है जो करना पड़ेगा। आपको लग रहा है सेक्शन 95 आप 10 मिनट में समझ लोगे, नहीं, सेक्शन 95 ऐसा प्रोविजन है जहां पर समझने के लिए आपको इन सारे सेक्शंस पे जाना पड़ेगा 100%, फिर आप देखो सारे प्रोविजन को आप आसानी से कवर है जो कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगले सवाल की ओर आगे आते हैं। इन द कोर्स ऑफ अ ट्रायल ऑफ समन केस, एक समन केस का जो है विचारण चल रहा था, ठीक है, रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 months, ऐसा अपराध जिसकी सजा 6 महीने से ज्यादा की है, मजिस्ट्रेट को ऐसा लगा, इट अपीयर टू मजिस्ट्रेट कि भाई इंटरेस्ट के, जस्टिस के इंटरेस्ट में ये जो ऑफेंस है उसको आप क्या करना चाहिए, वारंट केस की तरह ट्रायल है जो करना चाहिए। मामला कैसा चल रहा है, समन केस का, मजिस्ट्रेट को क्या लग रहा है, वारंट केस की तरह ट्रायल है जो करना चाहिए। सच मजिस्ट्रेट ऐसा प्रोसीड कर सकता है, रीहेयर कर सकता है इन द केस में। तो यहां पर बात आती है कि ये आपको कौन से सेक्शन में दे रखा है, कौन से सेक्शन के अंदर दे रखा है। हाँ जी, अब हमारे पास बड़े ही तेजस्वी लोग हैं, सरेश कुमार जी को देखो, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया मधुमक्खी का, सर भांग के पत्ते जला दो, मधुमक्खियाँ एकदम नशे में एकदम मस्त हो जाएगी, फिर वहाँ से भाग जाएगी। मतलब मेरे पास दो हाथ है, अगर 4-5 हाथ होते ना तो दंडवत प्रणाम करूँ आपको सर्वेश जी, मैं इधर तो फोकस करेंगे नहीं, वो मैंने एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम के बाल की खाल निकाल रहे हो, धन्य हो प्रभु, कहाँ है आपकी पूजा पाठ, हम भी आते हैं शरीर खोलने के लिए, मधुमक्खियों को भांग के पत्ते चला दो यार, गजब प्राणी हो यार। चलो अब यहां पर आ जाओ, तो इसका आंसर क्या है, सेक्शन 259 के अंदर, सेक्शन 259 में दे रखा है। बट फिर वही बात कि यार एक मतलब समन केस को आप कन्वर्ट कर रहे हो वारंट केस के अंदर, क्या करोगे, समन केस को कन्वर्ट कर रहे हो वारंट केस के अंदर। अब इसके साथ साथ दूसरे पॉइंट को भी ऑब्जर्व करो, कैसे, समझना। अब हमारे पास में एक प्रोविजन आया, ये आला कि भाई सेक्शन जो है 259, अब समझना, मैं यहां पर आपके सामने तीन सेक्शन का एक लिंक है जो रख रहा हूं, सेक्शन 259 आपके सामने आया, इसमें क्या हो रहा है कि भाई समन केस का जो मामला है उसको क्या किया जा रहा है, वारंट केस के ट्रायल की तरह ट्रीट किया जाएगा, समन की जो ट्रायल है उसको वारंट ट्रायल में ट्रीट करने के बारे में प्रावधान कर रखा है। अब यहीं पर मैं आपके साथ में इसको लिंक कर रहा हूं किसके साथ में, एक और दूसरा प्रोविजन जिसको मैं कहूंगा सेक्शन 260 का सब सेक्शन 2, ठीक है। यहां पर क्या होता है, अगर मान लीजिए समरी ट्रायल करते समय, है ना, समरी ट्रायल करते समय क्या होता है, ये आपका आ गया यहां पर समरी ट्रायल, समरी ट्रायल, समरी ट्रायल को आप क्या करते हो, ऑर्डिनरी समन केस की ट्रायल की तरह कन्वर्ट है जो कराना चाहते हो, है ना। तो यहां पर आप ऐसा प्रोविजन आपको 262 में दे रखा है। इतना ही नहीं, अब आपको एक लॉजिक, ये दोनों हमने क्या कर दिया, इन दोनों को हम लोगों ने लिंक कर दिया, तो इससे क्या होगा, एक साथ आप दोनों चीजों को क्या कर पाओगे, ऑब्जर्व है जो कर सकोगे, एक साथ दोनों चीजों को क्या करोगे, ऑब्जर्व है जो कर सकोगे, ठीक है। इतना ही नहीं, यहां पर भी लिंकिंग रुकनी नहीं चाहिए,
आपको पता है कई बार मजिस्ट्रेट ट्रायल करते करते उसको लगता है कि यार ये केस तो मुझे डील नहीं करना चाहिए, वो उस केस को सेशन को भेज सकता है। कहाँ दिया हुआ है ऐसा? बताओ मुझे कि ट्रायल के दौरान उस केस को सेशन, उसको लगेगा यार ये केस जो है मुझे डील नहीं करना चाहिए वगैरह, तो ऐसे मामलों के अंदर उसको लगता है ये तो सेशन एक्सक्लूसिव मामला है। कौन सा ऐसा सेक्शन है सीआरपीसी का जो ये कहता है कि भाई आप इस मामले को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर है जो कर सकते हो दूसरी जगह पर, ठीक है? कौन सा सेक्शन आ जाएगा यहां पर? 323। मैं सीवियर ऑफेंस की बात नहीं कर रहा हूं। तो अब आपके सामने एक और सेक्शन आ गया 323। अगर आप सोच के अगर आप देखो तो यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर मजिस्ट्रेट इस मामले को डील कर रहा था, उस मामले को अब सेशन है जो डील करेगा। तो यहां पर बेसिकली हुआ तो एक तरीके का कन्वर्जन ही ना, मजिस्ट्रेट ट्रायल को सेशन ट्रायल में हमने कन्वर्ट करवा दिया, हुआ तो कन्वर्जन ही। यह बात हमें सोचनी है यहां पर। तो मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जहां कहीं पर भी जो भी पॉइंट आपको रिलेवेंट लगता है उसकी लिंकिंग करो। और मैं आपको बता दूं, आज के समय का सबसे शानदार हथियार जो है ना पढ़ाई करने का, लॉ के फील्ड की पढ़ाई करने का, तो वो आपका लिंकिंग है। कैसे, मैं आपको बताऊं यहां पर। चलिए अब आपके सामने उस सेक्शन को मैं थोड़ा सा ओपन करके, हमारे पास समय क्या हुआ है, अच्छा 8:45 हो गए क्या? हाँ 8:45 हो गए। 8:45 में तो क्लास को समअप करना था हमको। चलो कोई बात नहीं सर, आप दो मिनट लेट आए थे तो आपको 2 मिनट लेट और पढ़ाना पड़ेगा। खैर बात तो तुम्हारी सही है, तुम्हारी बात को मना मैं कर नहीं सकता। अब देखो ये हमारे पास में एक सेक्शन आ गया, ठीक है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑब्जर्व करो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई अगर प्रोसीजर वैन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ, ट्रायल कमेंस हो चुकी है, इंक्वायरी ट्रायल, मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है केस शुड बी कमिटेड। अब देखो 259 में भी क्या लग रहा है, मजिस्ट्रेट को लग ही तो रहा है कि यार ये केस समन की तरह डील नहीं करना चाहिए, वारंट केस की तरह डील करना चाहिए। 262 के सबसेक्शन 2 में क्या लग रहा है कि यार इसको समरी ट्रायल की तरह डील नहीं करना चाहिए, इसको नॉर्मल जो है उस केस में हमें समन केस के नॉर्मल ट्रायल में जाना चाहिए। तो वहां पर भी लग ही रहा है और यहां पर भी उसको लग ही रहा है कि इस मामले को कैसे डील किया जाना चाहिए, इस मामले को कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तो वो क्या करेगा, उसको कमिट कर देगा। तो ये भी एक तरीके से कन्वर्जन ही तो हुआ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर रिलेवेंसी आती है और ये 3 सेक्शन सिर्फ सैंपल है, इसके अलावा भी और भी कई सारी रिलेवेंसी हमारे सामने आ सकती है। तो ये भैया आजकल के सवाल थे। मैं सवाल वैसे 7-8 लेकर आया था बट मुझे लग रहा है आज अपन इतने ही सवाल डील करेंगे क्योंकि 9 बजे हम लोगों को पुष्पा चैलेंज सीरीज के अंदर मुलाकात करनी है। ओके 9 PM पर एग्जैक्टली मिल जाना। और यहाँ पर दिल्ली जुडिशरी वालों को कह दूँ, आप लोगों के लिए एक जो है ना फुल लेंथ वाला फ्री ऑफ कॉस्ट वाला एक मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है DJS का, 16 अप्रैल को 11 बजे अनअकैडमी ऐप पर। फायदा उठाओ, DJS के एग्जाम पैटर्न पर है जो ये आपका क्या होने वाला है, सवाल है जो होने वाला है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि आज आपका ये आखिरी दिन भी है, आखिरी दिन से ऑफर वाला, 14 अप्रैल की तारीख है, 13 अप्रैल यानी कि कल हमारा जुडिशियल लिंकिंग का 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है। 2.0 बैच क्या हो चुका है, लॉन्च है जो हो चुका है, ठीक है? तो ये बैच लॉन्च हो चुका है और आज आप चाहो तो इसका बेनिफिट उठा सकते हो, आज 14 तारीख है, ठीक? और साथ ही साथ आपको बता दूं मैं 20 तारीख को APO लिंकिंग बैच लॉन्च होने वाला है, जहां पर हम सारे स्टेट जहां पर APO का एग्जामिनेशन होता है उन सबको क्या करने वाले, कवर है जो करने वाले हैं, ठीक है? हमारी पूरी टीम जहां पर अपूरा मैम है, आपके अनूप सर हैं, शिवानी मैम है, सूर्या सर हैं, पीपेश शुक्ला सर हैं वगैरह, हम सब लोग मिलकर आपको APO लिंकिंग बैच के बारे में डील है जो करने वाले हैं और साथ ही साथ एक आधा सरप्राइज भी आपके सामने जल्दी आ जाएगा, ठीक है? तो ये आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको कोर्स संबंधी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आपके पास में एक आपको ऑप्शन दे देता हूँ, दिस वन इज योर ऑप्शन 7825860310, आप इस पर बातचीत कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, लिंकिंग टीम से जुड़ना है तो आपको लिंकिंग वाले कोड के जरिए जुड़ना चाहिए, ठीक है? और ये हमारा बैच आज इसके ऑफर का आखिरी तारीख है, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। देखो ये आपको एक बात बता दूं, हम लोगों ने एक पुष्पा चैलेंज सीरीज चलाई है, उसके स्पेशल क्लासेस फ्री है, बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस है। तो आपको कुछ नहीं करना, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, मेरी प्रोफाइल में जाना है, वहां पर आपको फ्री स्पेशल क्लास के सारे चीजें दिख जाएगी। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, कोई पैसा नहीं लग रहा है, जाके इस सीरीज को अटेंड कर लो, दैट विल हेल्प यू, ओके?
और साथ ही साथ में यहाँ पर आप लोगों को ये मैंने बता ही दिया, इस नंबर पे आप कोई भी जानकारी है जो ले सकते हो। आइकॉनिक प्लस दो सेगमेंट रहेंगे। अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए वीआईपी एक स्टूडेंट की तरह तो आइकॉनिक है, 1-to-1 गाइडेंस वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और प्लस वाले कोर्स के अंदर बाकी सारी डिटेल तो है ही। ये आपका प्राइस कोटेशन है प्लस का आइकॉनिक का। एपीओ का जो बैच होगा वो 6 महीने का होगा, 6 मंथ का आप ड्यूरेशन है जो मान के चलेगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए होगा, ओके। और सारे स्टेट के एपीओ को कवर हम करने का पूरा हमारा एफर्ट है। और उसके अंदर स्पेसिफिकली क्या होने वाला है, आपके जितने भी राजस्थान यूपी एमपी की वैकेंसी उसको हम कवर करेंगे, लेकिन 6 मंथ का एक ड्यूरेशन टाइम वहां पर रहेगा, ओके। सो दिस इज द गुड वन ऑप्शन फॉर यू। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अभी मिलता हूं आप लोगों से कहां पर, 9 PM। तो जो कैंडिडेट सीरियसनेस के साथ में डील करना चाहता है वो 9 PM पर मेरे साथ जुड़ सकता है। सो थैंक यू सो मच।